देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जनपद सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज तहसील प्राकड़ में समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल धरने का आयोजन किया गया। धरने की अगुवाई पूर्व सपा प्रत्याशी डुमरियागंज राजकुमार उर्फ चिंकू यादव ने किया। धरने को संबोधित करते हुए राजकुमार उर्फ चिंकू यादव ने कहा कि मौजूदा प्रशासन सत्ता के इशारे पर काम कर रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बीते जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के लिए विपक्ष के साक्षर जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जबरन हेल्पर लगाकर वोट डलवाए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इतना ही नहीं, नामांकन के दौरान पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा था। सैकड़ों ब्लॉकों में नामांकन करने ही नहीं दिया गया। इसे सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की ये खास रिपोर्ट।